मशहूर फिल्म मेरी कॉम का एक बहुत मशहूर गाना है दिल ये ज़िद्दी है दिल ये ज़िद्दी है और इस गाने को सुनकर एक ही नाम याद आता है एक लड़की जो बहुत ज़िद्दी है दैट इज़ प्रियंका चोपड़ा विद मी प्रियंका आप बहुत ज़िद्दी हैं बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जो ये कर पाते हैं जो आपने कर दिखाया है ये एक ही साल हुआ है मैं एक साल भी नहीं हुआ है मुझे ये काम करते हुए अमेरिका में और मैं ज़िद्दी नहीं हूँ आई थिंक मुझे हारना अच्छा नहीं लगता अगर मैं कुछ करूँ तो या तो मैं करती नहीं हूँ लेकिन अगर कुछ करूँगी तो जीतूंगी मेरी एटलीस्ट कोशिश ही रहती है हार सब के साथ होता है yeah. सब, सब जिंदगी में कभी ना कभी हारते हैं yeah. लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं एटलीस्ट अपने बेस्ट को प्रेजेंट कर, कर सकूं और अव्वल yeah. नंबर पे जितना मैं कोशिश कर सकती हूं आऊं yeah. तो जो अभी हुआ है मेरे साथ अमेरिका में जिस तरह की एक्सेप्टेंस मिली है मुझे आई थिंक चाहे वो यू नो टाइम मैगजीन का हंड्रेड इन्फ्लुन्शल yeah. हो ऑस्कर्स हो <laughs> पद्मश्री इंडिया में हो आई थिंक इन सब चीजों को मिलाकर तभी भी एक, है, एक प्रतिशत है जितना मैं समझती हूँ इंडियन टैलेंट को इज्जत मिलनी चाहिए आ, सिर्फ एक औरत होने के नाते नहीं बट इंडियन टैलेंट को जनरली ग्लोबल एंटरटेनमेंट में मेरा जो शो हुआ है हाँ। जिस तरह का एक्सेप्टेंस उसको मिला है जिस तरह का प्यार मुझे उसकी वजह से मिला है वो सिर्फ Uh, मेरी काम की वजह एंड वो बहुत मुश्किल था hmm. मैंने बाजीराव मस्तानी में जिस तरह का एक्सेप्टेंस इंडिया में मेरे मेरे परफॉर्मेंस को मिला Different. काशी के लिए hmm. और क्वान्टो का अमेरिका में वो साइमल्टेनियसली हुआ मेरे yeah. लिए तो आ, और मैंने दोनों की शूटिंग एक साथ की थी, hmm. और और बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. थी संजय सर के साथ एक एक दो दो दिन करने oh के लिए God. और, तो hmm. और मेहनत बहुत थी hmm. सोती नहीं हूँ नहीं पाई खाना नहीं खाती छुट्टियाँ नहीं लेती लेकिन अगर आपको कुछ प्रूव करना है और मैं बिल्कुल प्रूव नहीं करना चाहती थी अगर मैं किसी नए देश में गई हूँ कि एक इंडियन एक्टर होने के नाते मैं कम हूँ और मैं क्योंकि मैं सिर्फ अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि मेरी फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे क्या सिखाया है और आज मुझे आप किसी भी दुनिया में किसी भी देश में ले जाएं और कैमरे के सामने खड़ा कर दें मुझे अपना काम मालूम है क्योंकि मुझे हिंदी फिल्मों ने सिखाया है बिल्कल, बिल्कल। तो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी कि मैं कभी स्लैक ना करूँ कि मुझे कभी लोग ये ना कहें चलते रहना कि लोग ये ना कहें कि यार ये तो ठीक है इसलिए इंडियन एक्टर सक्सेसफुल नहीं होते हुँ, हुँ, बिल्कुल मैं ये नहीं चाहती बिल्कुल हमने ऑस्कर्स देखे आपने एक अवार्ड प्रेजेंट किया हमने बहुत सारे शोज देखे हैं जिनमें आप गई एज ए गेस्ट गई एंड वो अमेजिंग आई मीन जिस तरह से आपने अपने आप को प्रेजेंट किया बहुत कम लोग प्रेजेंट कर पाते हैं वे वेरी वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी और जब आप पहुंची तो हमने देखा कि अमेरिका के बहुत सारे लोग जस्ट ये प्रियंका किसी दूसरे देश में जाकर उस देश के लोगों के दिलों पर राज कैसे करते हैं मैंने मैं अप, मैंने मैं सिर्फ जो इंडिया में किया मैंने वही वहां पे किया आज uh, मेरा शो एटलीस्ट 200 सौ टेरिटरीज में गया है um, 53 थ्री में यू नो डब हुआ है एयरपोर्ट में मुझे एलेक्स एलेक्स बोल के सब बुला रहे थे कल मैं आईफिल टावर पे थी फ्रांस पे फोटोज दे रही थी मैं और मॉम थोड़े टूरिस्ट बन गए थे हम लोग तो वो चिल्ला के लड़कियां आ रही थी कि एलेक्स हमको फोटो चाहिए तो वो बहुत अच्छा लगता है कि मैं मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ हु, मैं अपने देश से मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली है कि आज आप मुझे कहीं पे भी लेकर जाए लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करेंगे खूबसूरत होना बहुत आसान है कोई भी बन सकता है अच्छे कपड़े पहन के प्रेजेंटेबल होना रेड कार्पेट्स पे जाना हम लोगों को इन्वाइट करेंगे क्योंकि हम लोग बड़े स्टार्स हैं लेकिन अपने काम के बलबूते पर हुँ, खड़े होना वो मुझे बहुत gratifying लगता है and I hope हुँ, मैं हुँ, can continue और do आपके do है। बारे में काफी है इंडस्ट्री में काफी मशहूर कि बहुत मेहनत मेहनत करती है है. ये लड़की. का कोई substitute नहीं है. और इसके बावजूद इस वक्त आपके किची में कोई films नहीं है, आपने भी कोई फिल्म साइन नहीं की है, that? टाइम का limitation है आम, मैं हर सैटरडे इंडिया में आपके टेलीविजन पर आती हूँ मेरा शो एयर होता है चाहे इंडिया में हो हर संडे अमेरिका में होता है तो अभी मैं सेकेंड सीजन शुरू कर रही हूँ जुलाई में शूटिंग तो करनी पड़ेगी ना अपने हाँ। आप तो नहीं बन जाएगा तो जब वो छः महीने लगेंगे तो मैं सिर्फ एक और एक या दो फिल्म कर पाऊंगी अगले साल अच्छा। एक मैं शायद अमेरिका में करूं एक मैं शायद यहाँ पे करूंगी इंडिया में तो अभी मैं ये सेकंड सीजन का जो वक्त है जुलाई से लेकर दिसंबर तक मैं बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ मैं देख रही हूँ अगर मैं सिर्फ एक ही फिल्म इंडिया में करूँगी और एक फिल्म वहाँ करूंगी तो वो करेक्ट होनी चाहिए मेरे लिए स्पेशल होनी चाहिए क्योंकि मैं वैसे भी अपनी फिल्मों को बहुत सीरियसली लेती हूँ अपने काम को सीरियसली लेती हूँ okay. और आप मोस्ट गूगल सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड में से एक आ चुकी हैं और ऐसे में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर आपको फोकस करना होगा मैं हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे किया है हुँ। मैंने कभी गलतियाँ सबसे होती हैं लेकिन मैं सिर्फ क्वालिटी में बिलीव करती हूँ तो वो अभी भी नहीं बदला है वो अभी भी नहीं बदला अब बहुत ऊंचाई पर जाकर नीचे देखने से डर लगता है गिरने का कभी आपके दिमाग में ये बात आती है कि गॉड मैंने बहुत अच्छा कर लिया है मैं कोई मिस्टेक ना करूँ जिंदगी में अब मिस्टेक्स तो ह्यूमन है अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे सबके साथ तो आप ह्यूमन हो ही नहीं सकते और किसी का भी हंड्रेड परसेंट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है चाहे फिल्मों में देख लें चाहे आप इंडिया में देखें अमेरिका में कहीं पर भी देखें सबकी जिंदगी में फेलियर आता ही है तो मैं उसके लिए हमेशा प्रिपेर रहती हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दिया है इस बात में कि अगर आप गिरो भी अपने बलबूते पर खड़े हो hmm. थोड़ा सा ऐसे करो और फिर से शुरू करो शुरु फिर से शुरुआत शुरु। करने से डरती नहीं हूँ गुड hmm, और आपका बेस्ट फैन मोमेंट क्या रहा है इसलिए क्योंकि आप पूरी दुनिया में आजकल ट्रैवल कर रही हैं आई नो क्यों ये होता है बट hmm. मैं बहुत ओवरवेलम हो जाती हूँ मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ hmm. कुछ छोटी छोटी लड़कियाँ ना रो hmm पड़ती हैं मुझे देख के रियली या अभी भी हुआ था दो घंटे पहले क्यों? तो मुझे I don't know, मैं मैं रही है किसी को <laughs> yeah, मतलब क्यों रोती इसको तो बेचारी को हिंदी भी नहीं बोलनी आती थी जो आज मुझे यहाँ पे मिली बट अच्छा? वो मुझे मुझे बहुत uh, जब लोग कहते हैं कि hmm. बहुत प्राउड फील करते हैं कि uh, मैं इंडिया से हूँ और मैं इंडियन हूँ